नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से जहां लोग अपने घरों में हैं और उनकी खेती के सामान उनके खेतों में पड़े हुए हैं या फिर प्रशासन की मदद से मंडियों तक पहुंच पा रहे हैं, फिर भी उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वही जनपद के एक किसान की मिर्च और लौकी ने सात समुन्दर पार इंग्लैंड तक पहुँच चुका है और यह सब हुआ है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली एपीडा के द्वारा, जिसने गाजीपुर के खेतों में पैदा हुई 1500 किलो मिर्च और 500 किलो लौकी का डिमांड किया। इतना ही नहीं, इन सभी चीजों को गाजीपुर से नई दिल्ली तक पहुंचाने का वातानुकूलित वाहन का भी व्यवस्था किया। जनपद गाजीपुर के भावर कोल ब्लॉक के लोचाइन गांव के रहने वाले यह जितेंद्र राय हैं। यह एक जागरूक किसान है और परंपरागत खेती को वैज्ञानिक तरीकों से और मानक के अनुसार अपनी पैदावार को अपने गाँव की मंडियों तक ही नहीं बल्कि सात समंदर पार इंग्लैंड तक भेजकर ना न सिर्फ अपने गांव का बल्कि जनपद गाजीपुर का भी नाम रोशन किया है। जी हां, 21 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली ने वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गाजीपुर की 1500 किलो मिर्च तथा 500 किलो लौकी का डिमांड किया, जो नई दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन कार्गो तक जाना था, जिसके लिए मंत्रालय ने वातानुकूलित वाहन का भी व्यवस्था किया और यह वाहन गाजीपुर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर लोचाइन गांव पहुंचकर 3 दिन पूर्व जितेंद्र राय के खेतों की लौकी और हरी मिर्च को दिल्ली तक पहुंचाया, जो अब इंग्लैंड तक पहुंच चुका है और वहां की रसोइयों में अपना जायका बिखेर रहा है। इस बारे में जितेंद्र ने बताया कि इसके पहले भी वह कई बार कार्गो के माध्यम से अपने खेतों की टमाटर, मिर्च और मटर भेज चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए मंत्रालय के द्वारा एक मानक तय किया गया है और उसी मानक के आधार पर इन सब्जियों का चयन कर कार्गो तक भेजा जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन सब्जियों का जनपद के मंडियों के रेट का डबल रेट हमें मिल जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगली खेप 3 मई को पुनः जाने वाला है और हम लोगों का एपीडा के माध्यम से 15 क्विंटल मिर्च और 5 क्विंटल लौकी वहाँ दिल्ली जो है ना वातानुकूलित वाहन से दिल्ली और दिल्ली से जो है ना कार्गो के माध्यम से इंग्लैंड जो है गया हुआ है। नहीं, जिसे पीडा जो है ना वो विदेशों में सप्लाई देती है और चूँकि हम लोगों की जो क्वालिटी जो है कुछ इस टाइप की रहती है, उस मानक के एक्सपोर्ट के मानक के अनुसार हम लोग जो है तैयार करते हैं अपनी सब्जी के फसलों को, तो इस अनुसार जो है हम लोगों को डिमांड आता है और पहले उसकी जांच वोच होती है, भाई इस मानक के अनुसार आपको दवा छींटना है, ऐसे करना है, तब जो है अपना आता है, उसके बाद बाहर सप्लाई जाता है। मानक ये है कि उसमें जो MRL लेबल है, जो दवाएं हैं वो प्रतिबंधित दवाओं को नहीं छींटना है, जो अच्छी कंपनी की दवा है, जो हरे लेबल की जो दवा है उसको छींटना है, उसके बाद ही जो है हमारा माल वहाँ जाएगा और वो उसमें पास होगा, वो मानक ज़रूरी है इसके लिए। अगर मार्केट नहीं, बहुत का अंतर रहता है, यहाँ तो अभी लॉकडाउन के वजह से लोकल ही सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भाई जितने माल जा रहे हैं उस अनुसार से मार्केट दाम निर्धारित हो रहा है, लेकिन वहाँ जब भेज रहे हैं तो हमको अच्छा पैसा मिल रहा है उसके लिए, तो आगे भी मिलने वाला है और ये हम लोग पहले से भी कर रहे हैं इसको। कुछ प्राइवेट जो है व्यापारी भी आते हैं जो खाड़ी देशों को ले आते हैं, दुबई वगैरह, लेकिन इस बार जो गया है तो इसे काफ़ी हम लोग उत्साहित हैं, इसलिए कि हम लोगों का माल जो है इंग्लैंड गया, तो काफ़ी उत्साह है इसके।